कोरोना का तीसरा लहर दस्तक देते ही पतरातू लेक रिजॉर्ट संपूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण का तीसरा लहर का दस्तक देते ही राज्य सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया, साथ ही राज्य के अंतर्गत सभी पर्यटक स्थल को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया है, जिससे पर्यटक स्थल पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। तो यहाँ छोटे स्तर पर व्यापार बिजनेस कर रहे लोगों के बीच मायूसी देखी जा रही है। वहीं सैकड़ों की संख्या में नाविक चालकों के बीच बेरोजगारी का डर सता रहा है। हालांकि पतरातू डैम लेक रिजॉर्ट को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। यहाँ सभी लोग स्वयं गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। रिजॉर्ट के आसपास बांस से बांधकर रास्ते को बंद कर दिया गया ताकि दूर दूर तक कोई यहाँ प्रवेश न कर सके। मंसूर खान की रिपोर्ट। यहाँ 10-15 साल से नाव चलाते हैं और नाव के माध्यम से अपना हम लोग भरण पोषण करते हैं, और इसके अलावा हम लोग के पास कोई काम नहीं है। हम लोग विस्थापित भी हैं, हम ही लोग का जमीन डूबा है, नौकरी उकरी कुछ नहीं मिला, और इतना दिन से नाव चला रहे। पिछले लॉकडाउन हुआ उसमें भी हम लोग बर्बाद हो गए हैं, किसी तरह सरकारी कोई कुछ चीज़ मिलता नहीं हम लोग को। और इस बार जो लागू हुआ आज से, अभी देख रहे एक आदमी यहाँ नहीं है, और हम लोग पूरा सरकार का जो आदेश होता है उसका पालन करते हैं और कर रहे हैं। लेकिन सरकार से यही उम्मीद करेंगे कि थोड़ा अगर समस्या थोड़ा हम लोग का भी जो है, जो नाव नहीं चलेगा तो हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसका माध्यम से अगर सरकार के तरफ से हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द बीमारी भी खत्म हो जाए और हम लोग का जो रोजगार है वो भी चालू हो जाए।